जय श्री राम 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 चाचा जी राम राम चाचा अयोध्या में 250 फीट के अखंड दीप भेज रही हम तुरा जो इच्छा है से दहो कितना दे दे श्रद्धा से चाचा जे दबो से देना दहो धन्यवाद चाचा ओ दिन अइहो जरूर 22 तारीख के जय श्री राम 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 अरे बाप रे ये तो मुस्लिम का काम माफ कीजिएगा भैया गलती से आपके दरवाजे पर चले आए एक मिनट आदित्य भाई अंदर आइए नहीं नहीं हम लोग बाहर ही ठीक हैं अरे अंदर आइए अंदर आइए आइए बैठिए असलम एक कुर्सी लेना बाबू बोलिए आप कैसे आना हुआ सलाम वालेकुम आसिफ भाई सलाम वालेकुम नहीं जय श्री राम बोलिए जय श्री राम आपके मुख से प्रभु श्री राम का नाम सुन के दिल खुशी से गदगद हो गया आसिफ भाई बोलिए कैसे आना हुआ अरे आसिफ भाई आपको तो पता ही है अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है हम लोगों ने सोचा कि अपने गांव से 250 फीट का अखंड दीप अयोध्या राम मंदिर भिजवाया जाए उसी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन हम शायद गलती से गलत दरवाजे पर चले आए हैं क्यों क्योंकि आप चंदा तो देंगे नहीं आप तो जाइए ना फिर आप चुप रहिए बात कर रहे हैं ना क्यों नहीं देंगे चंदा जरूर देंगे अरे आपका श्री राम जी का मंदिर बन रहा है हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है हमें पता है कि आप लोग प्रभु श्री राम के लिए वर्षों से इंतजार किए हैं और आपके खुशी में हम क्यों नहीं शामिल होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सारे गांव वाले मिलकर 250 फुट का अखंड दीप लेकर अयोध्या जा रहे हैं यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे गांव के लिए बड़े गर्व की बात है बोलिए हम आपके लिए क्या सहायता करें आसिफ भाई आप इतना बोल दिए यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है नहीं नहीं फिर भी कुछ बोलिए आप नहीं 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 हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे आपको जो इच्छा है श्री राम परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर दीजिए आपने इच्छा की बात की है तो हमारी इच्छा यह है कि आप लोग जो वो पूजा में करवाते हैं ना क्या बोलते हैं उसको भंडारा हाँ भंडारा पूरे गांव में भंडारा करवाइए और दीपावली में जैसे दीप जलाते हैं वैसे फिर से पूरे गांव में दीप जलाइए ताकि प्रभु राम को लगे कि दूसरी दीपावली आई है असलम मेरा फोन दो फोन पे करिए या गूगल पे फोन पे नंबर नोट कीजिए ना हाँ नंबर बोलिए 9384 246 हाँ ये लीजिए चला गया पचास हजार हमारी तरफ से एक छोटी सी रेट है आप ये क्या कर रहे हैं पैसा किस काम के लिए पता नहीं है आपको असलम तुम शांत रहो जब दो लोग बात करता रहे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए तुमको पता नहीं है आप लोग इसकी बात को बुरा मत मानिएगा अभी बच्चा है जी आसिफ भाई धर्म के नाम पर जो हाथ से निकल जाए उसे लौट कर नहीं देखते समझे हमारी तरफ से एक छोटा सा भेंट कबूल कीजिए और आप लोग अपने काम को पूर्ण कीजिए अरे आसिफ भाई आपने इतनी बड़ी मदद की हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और हमें ये जानकर भी खुशी हुई कि आप जैसे लोग आज भी धरती पर हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को मदद ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत भी करते हैं ठीक है हम लोग निकलते हैं ठीक है आप उनके मंदिर बनाने के लिए 50,000 रुपए दे दिए क्या वो हमारे मस्जिद बनाने के लिए उतना चंदा देंगे क्यों नहीं भाई आज आप सहयोग किए कल हम करेंगे सहयोग जय श्री राम आओ असलम बैठो
असलम, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम पढ़ लिख कर ऐसी बात करोगे। अल्लाह ने हम लोग को क्या सिखाया है, जितना ज्यादा हो उतना मदद करो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो। आज राम मंदिर बनने जा रहा है, उनकी खुशी में हम नहीं शामिल होंगे कि कल को हमारा मस्जिद बनेगा, वो लोग कैसे सपोर्ट करेगा। जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम उनके राम मंदिर में सपोर्ट करेंगे, वो हमारे मस्जिद में सपोर्ट करेंगे, तभी तो हमारा देश अमन चैन के साथ खुशहाल रहेगा। हम मुस्कुरा दो मेरे भाई। आपने सही कहा है भैया, हम थोड़ा पैसा के लेके गुस्सा हो गए थे। कोई बात नहीं, भाभी को बोलो एक कप चाय बनाने के लिए। ठीक है भैया।